आज हम बनाएंगे सच्चा साबू फरियाली आटा हलवा। एक बर्तन में आधा कप चीनी और एक कप पानी डालकर उबाल लें। इसमें एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दें। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। दूसरे बर्तन में आधा कप घी गरम करें और आधा कप सच्चा साबू फरियाली आटा डाल दें। हमें इसे मंदी आंच पर खुशबू आने तक भूनना है। ध्यान रहे कि आंच को तेज ना करें वरना आटा जल सकता है। इस रेसिपी के लिए आप किसी भी भारी तले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास भारी तले वाली कढ़ाई नहीं है तो आप एक नॉनस्टिक बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जिससे कि आटा नीचे से जले नहीं। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका रंग हल्का भूरा ना हो जाए। करीब 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद हमारा आटा अच्छे से भुन जाएगा। अब इसमें चीनी का पानी डाल दें और ध्यान रहे कि आप इसे सावधानी से डालें, नहीं तो आपका हाथ जल भी सकता है। पानी डालते समय हमें इसे लगातार चलाना है जिससे कि लम्स ना पड़े। शुरू में बहुत छींटे आती है मगर आप डरे नहीं और इसे लगातार चलाते रहें। धीरे धीरे करके ये हलवे जैसा दिखने लगेगा। हमें इसे कम से कम 5 से 7 मिनट पकाना है और तब तक घी भी अलग हो जाएगा। हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैं यहाँ पे 1/4 कप बारीक कटे काजू, बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। सच्चा साबू फरियाली आटा हलवा बनकर तैयार है। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है और आप इसे व्रत उपवास में बनाकर खा सकते हैं।